नागरिकों की तकरार के बाद ग्लोबल के बाद हम पार्किंग प्लाजा और कौसा हॉस्पिटल, ये सभी हॉस्पिटलों पे हमारी तैयारी कैसी, डॉक्टर, सिस्टर, वार्ड बॉय और सबसे ज़्यादा फायर की टीम की क्या तैयारी, क्योंकि जो टेम्परेचर है महाराष्ट्र में और लोड ज़्यादा है, जिसके लिए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी आदेश दिया है कि सभी तैयारी होना चाहिए। जितेंद्रवाद जी भी बोल रहे हैं, कमिश्नर साहब भी बोल रहे हैं, महापौर साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसकी तैयारी है क्या, उसकी जांच और उसको देखने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पे आए थे। आने के बाद सरासर पूरी खामियाजे फायर डिपार्टमेंट की ओर से मालूम पड़ रहा है। 4 फायरमैन को रखा गया है, जिसके अंदर से उनको जो फायर डिपार्टमेंट के फायरमैन है उनको यहाँ पे जो मैनुअल फायर जो मशीनरी जो ऑपरेट करते उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। ऐसे में फायर ऑफिसर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, जबकि कमिश्नर साहब, पालक मंत्री जी, महापौर साहब ये सभी दावे कर रहे हैं कि ऑफिसर, फायर ऑफिसर हमेशा यहाँ रहना चाहिए। यहाँ पे जो पीछे गाड़ी खड़ी की है 500 लीटर की गाड़ी है पानी की, फायर की रखी, ऐसे में कभी हादसा हो जाए तो मैं आपको एकदम क्लियर और दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऊपर वाला ना करे कि यहाँ कोई हादसा हो। लेकिन अगर हादसा हो जाए तो हम सिर्फ नाम मात्र फायर के फायरमैनों को यहाँ रखें, हम यहाँ पे इनकी सुरक्षा फायर डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको जो फायरमैन है उनको ऑपरेट कैसे करते ये मालूम ही नहीं, उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई और उनको यहाँ पे उनको जवाबदारी जो दी है उनको उसके बारे में भी नहीं मालूम। खाली एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पे लाया गया है और खड़ा कर दिया गया। और जब मैंने उनकी शिकायत किया तो बेचारे हमारे कुछ ऑफिसर उनकी शिकायत किया, वो क्या करेंगे, उनको जब साधारण मानसर उनको पूछा कि आपको इसकी सारी जानकारी है, डिटेल है, कैसे ऑपरेट करते हैं, तो उनके मुँह से निकल गया हमें मालूम ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात, ऐसे में अगर हादसा हुआ फायर डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेना पड़ेगी, उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि थाने के एक भी हॉस्पिटल के ऊपर आपने पहले इतने सारे हॉस्पिटलों पर आग लगी, कई लोगों की जान गई, तो हमें पिछले से सीखना चाहिए और आगे तैयारी रखना चाहिए। और उसके बावजूद भी हमारी अभी तैयारी नहीं है और डमी ऐसी चीज़ें करने पे, महापालिका डमी चीज़ें करने में एक्सपर्ट है। मैं महापालिका के सभी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सही से होश में आ जाए, जमीनी लेवल पे काम करें, खाली एसी में बैठ के कैबिन पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें ना करें। ऑफिसर अब यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए था, उनको यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग देना चाहिए था कि हादसा हो जाए तो क्या करेंगे। आप प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं, आज 350-400 लोगों के हॉस्पिटल की परमिशन खत्म होने आई है, उनको ये गोल गोल घुमाया जा रहा है, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनको फायर ऑडिट नहीं किया गया है, उनके पास फायर की कोई सुविधा नहीं है। अरे जहाँ पे फायर सिस्टम लगा है उनको ऑपरेट करने के लिए आपने कोई ट्रेनिंग नहीं दी फायरमैन को, जहाँ पे फायर सिस्टम लगा उनको ऑपरेट करने के लिए फायर की ट्रेनिंग नहीं दी फायरमैन को। मतलब कहीं ना कहीं आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, थाने की जनता की जान की कीमत है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान रखें। सर हमारी खुशकिस्मती है थाना की के पेशेंट की संख्या कम ही हुई, 400 कुछ पेशेंट अभी है, लेकिन हम क्यों नहीं सोचते कि तीसरा लाट आने वाला है, ऐसे में कभी पेशेंट बढ़ जाए तो एज पर है मुझे उनसे ये मैंने यही कहा कि जब करार महापालिका से उन्होंने किया था ओम साई ने, उस करार के हिसाब से सभी मैन पावर सब चीज़ें है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं है, तो फिर थाने महापालिका के जवाही है क्या, किसके स्पेस अब चल रहा है। तो यंत्रणा थाने महानगर पालिका को सही से करना पड़ेगी और जो कोई है ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है मैं कर्तव्य करना चाहिए, उसकी सराहना करना चाहिए, लेकिन जो कमियां है उसे प्रशासन के जरिए दूर करना चाहिए। मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ओम साई के जो मैन पावर आज की रही चाहिए वो तुरंत बहाल किया जाए और जितने वार्ड बॉय और डॉक्टर और नर्सेस चाहिए कमिश्नर साहब खुद इस पर ध्यान रखें, इस पर तुरंत अमल करें और उनको अपॉइंट करें तुरंत।